नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। अलवर के थाना गाजी पंचायत समिति सभागार में जन समस्या सुनवाई हुई है। उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। झालावाड़ जिले में अकलेरा के पास नेशनल हाईवे 52 पर स्थित मिथुन टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे ट्रॉले में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति घायल। कोटपुतली में ग्राम मलपुरा में एएसपी विद्या प्रकाश की ओर से जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। धौलपुर के बसेड़ी में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई हुई है। एसडीएम सुभाष यादव की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई है जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर के रामगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर कस्बे के सराय बाजार में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मौन जुलूस निकाला। बांसवाड़ा जिले के लोधा गांव में 2 कार के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक घायल जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया। बांसवाड़ा के भीमसौर पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा एसपी राजेश कुमार मीणा मौजूद रहे। कोटा के कैतून थाने में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण काविंद्र सिंह सागर की मौजूदगी में शांति समिति और सीएलजी समिति बैठक का आयोजन किया गया। रावतभाटा में वार्ड नंबर 15 के पार्षद नरेश कुमार मेघवाल ने पानी और सड़क की समस्याओं को लेकर अधिश्वासी अधिकारी के नाम नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रकाश देवड़ा को ज्ञापन दिया। अलवर के बहरोड में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज से शुरू हुई है। बहरोड में बनाए गए हैं 8 सेंटर। धौलपुर के गांव पुराने छावनी में समाजसेवी रिंकू शर्मा के नेतृत्व में शमशान भूमि की मांग को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया। दौसा के सिकराया में पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर महिलाएं पंचायत समिति पहुंची और मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दौसा में सिकंदरा चौराहे पर यातायात व्यवस्था खराब रहने के चलते जाम के हालात बने रहते हैं। आपातकाल में भी एम्बुलेंस को निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैरथल थाना पुलिस ने वांछित बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे मिशन 100 अभियान के तहत कार्रवाई कर 2000 रुपए का इनामी बदमाश परवेज उर्फ नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया। 12 के लक्ष्मीपुरा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर आबकारी विभाग ने 40 भट्टियों को नष्ट करके 1300 लीटर नष्ट करने की कार्रवाई की। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं को कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के तहत शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूटी दी। कोटा में रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध सट्टे जुआ पर कार्रवाई करते हुए 5 खाई वालों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खाई वालों से 2200 रुपए और सट्टे की पर्चियां जब्त की। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में 2 समाजों के बीच हुए विवाद के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी। इसके बाद गांव में पुलिस जाब्ता मौजूद है। दोनों पक्षों के 16 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के घलकिया गांव में 2 दिन पहले बने डामा सड़क पर घटे निर्माण की शिकायत के बाद विधायक कैलाश मीणा मौके पर पहुंचे। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना परिसर में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का शिविर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल के आगे रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव जी की तस्वीर के सामने पूजा अर्चना की गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में अवैध बजरी ट्रैक्टर के नादोली मोड़ पर एक बाइक को रौंद डाला जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 12 के मांगरोल में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जनसुनवाई की। मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। जैसलमेर के रामदेवरा में पूर्व विधायक शतान सिंह राठौड़ ने ग्रामीण इलाकों में संपर्क करके जनसमस्याओं को सुना। 12 के चरडाना गांव में रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा में इटावा एसडीएम की जनसुनवाई में किसान संघ समेत कई लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में स्थित आदर्श विद्या मंदिर परिसर में हिंदू नववर्ष के आयोजन के लिए समीक्षा बैठक हुई। कार्यक्रम में शामिल हुई झांकियों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। झालावाड़ के चौमहला में जैन समाज द्वारा शासन दिवस मनाया गया है। प्रभात फेरी निकालकर जैन ध्वज भी फहराया गया।
धौलपुर में बसेड़ी कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर महेश बंसल की अध्यक्षता में मनाया। जैसलमेर के फलसोण में कुमावत समाज द्वारा नवनिर्मित श्री चामुंडा माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। मोहनगढ़ कस्बे की 108 एम्बुलेंस हुई खटारा, हर दिन मरीजों को ले जाते समय बीच में हो जाते खराब। अंता में सड़क चौड़ी करने के लिए चेतावनी नोटिस के बाद भी कस्बे के व्यापारियों ने अपनी इच्छा से अतिक्रमण हटाया। बारा के सिसवाली में सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, इससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में आशियाना कॉलोनी में जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान देकर प्रशस्ति पत्र दिया। जयपुर के सांभर लेक में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष के निर्देशन पर लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया। जैसलमेर के लाठी में उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। जयपुर में दूधू के शिवाजीनगर में 33 केवी विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट से एक बाड़े में रखे चारे और पशु आहार में आग लग गई और 20 ट्रॉली चारे और पशु आहार जलकर आग। जयपुर के जम्मा रामगढ़ में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री जमील खान खोकर के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। जयपुर के बस्से में हत्या किया हुआ शव रोड पर मिलने से सनसनी फैली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के चौमला कस्बे में ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते चारों ओर गंदगी फैली हुई है। कस्बे के इमामबाड़ा क्षेत्र में नालियों की सफाई महीनों से नहीं हुई है, इससे बदबू से क्षेत्रवासी परेशान है। जयपुर के जागसू में 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाइल वैन को सिविल न्यायालय से अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के मनोहरपुरा में राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद गांव पहुंचे नीरज अहलावत का ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अजमेर में जोताया के गुर्जर मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम ललिता माली ने आशा सहयोगिनी सुनीता वैष्णव के सहयोग से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का स्वास्थ्य जांचा और टीके लगवाए। झुंझुनू में उदयपुर बाटी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचलंगी में ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में पानी की मांग को लेकर वार्ड पंच के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर महिलाओं ने मटके तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में चुड़ावल से सिंघाना की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। झुंझुनू में मंडरेला कस्बे के वार्ड नंबर 18 और 19 में रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों के साथ पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जोधपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओसिया शाखा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करके सभी नर्सेस और डॉक्टर का सम्मान किया। झुंझुनू के रामपुरा में कोरोना योद्धा की पहली प्रतिमा लगी, इसका अनावरण सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल ने किया। कोटा के दिगोद में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने हिस्सा लेकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। फलौदी से जोधपुर ट्रेन में जा रहे यात्री की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, मृतक यात्री की पहचान कुंडल निवासी अखाराम बेलदार के रूप में हुई। बरौली में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस जिला चिकित्सालय स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मनाया गया। ओसे कस्बे में सॉफ्टेक एजुकेशन सोसाइटी में समर कैंप के पहले दिन बच्चों ने पक्षियों के लिए मिट्टी से बने घरौंदे और परिंडे लगाए। पाली के जतारण पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर विष्णु की अध्यक्षता में जनसुनवाई की बैठक आयोजित हुई। जोधपुर के कसुम्बी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ओसिया में लक्ष्य बाल पुनर्वास केंद्र के निराश्रित बच्चों के लिए ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। करौली के टोटा भीम में गुड़ा चंद्रजी कस्बा स्थित जय पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने भाग लिया। हिंडौन सिटी में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच कराने, बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिंडौन में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अजमेर के सरवाड़ में बैसाख मास की मोहिनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने जावला में गणेशगिरी बाबा की पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की। हिंडौन सिटी के खेड़ी हैबत गांव में श्रीराम कथा और हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हिंडौन सिटी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा सुरोठ कस्बे में सेमिनार का आयोजन किया। चुरू के बिदासर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सयुराम वर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन।
जोधपुर में फलौदी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उप कारागृह से फरार कैदियों में से 15 कैदियों के साथ 7 सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद 16वें कैदी श्यामलाल भादू को गोपालगढ़ से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पाली में चितारण के निमास गांव में कुमावत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। पाली के चितारण में आयोजित कुमावत समाज के कार्यक्रम में सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत का गाजे बाजे के साथ स्वागत। बीकानेर के नोखा में सोने चांदी के जेवरा चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। श्री सीमेंट लिमिटेड प्यावर द्वारा श्री बालिका समृद्धि योजना के तहत पाखरियावास गांव में चयनित परिवार की फर्जना के विवाह पर उपहार सामग्री समाज सेवा टीम द्वारा भेंट की गई। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान महिला मोर्चा ने राजसमंद सांसद या कुमारी के नेतृत्व में राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के संबंध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जोधपुर के ओसिया में जाटीपुरा निवासी एक महिला ने 7 लोगों के खिलाफ महिला अत्याचार का मामला दर्ज कराया। पाली के बाली में प्रदेशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर नरेगा कार्मिक ने धरना स्थल पर इकट्ठा होकर राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियां जलाई। नगौर के मेड़ता सिटी में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य पर मुस्लिम सेवा परिषद और कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने नर्सिंग कर्मियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। पाली के देसुरी में जीव दया फाउंडेशन की ओर से पशुपालकों जैसे कि गायें भैंस और बकरी की बीमारियों की रोकथाम को लेकर निःशुल्क दवाइयां बांटे। पाली के बाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत दौरे पर रहे। जोधपुर में बावड़ी के लवेरा खुर्द गांव में एक युवक को 6 लाख रुपए में कार बेचकर एक धोखाधड़ी से कार वापस ले जाने का पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने नर्सिंग सेवक को समर्पित फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन मनाया। रावतभाटा में एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल। बीजेपी किसान नेता कमलेंद्र सिंह हाड़ा ने दोनों घायलों को सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। पाली में पंचायत समिति देसुरी के सभागार में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों का जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कल्लाल पहुंचे कुलायत पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की। बेगू में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने राज्य सरकार के निर्देश पर पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई करते हुए 56 परिवेदना प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। बेगू में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के समर्थन में प्रदेश भर में भारत माता यात्रा निकाली जा रही है। रावतभाटा में विश्व नर्स दिवस के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष दीपिका तिल्लानी ने नर्सिंग कर्मियों को सम्मान किया। बीकानेर के खजुआला में नोहर के देईदास सरपंच पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया। बीकानेर के नोखा में लोक परिवहन बस और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत 4 लोग घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगू में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया गया। जोधपुर के फलौदी में भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन 14 और 15 मई को नासिक में होगा। इसको लेकर फलौदी समेत जोधपुर जिले के विद्युत कर्मचारी कल जोधपुर से नासिक रवाना हुए। जोधपुर के शेरगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ लाठियों से मारपीट हुई। 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक गणेश गोगरा का गोपालगढ़ आगमन पर स्वागत हुआ। युवा नेता एमपी देवड़ा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में कस्बे के प्रमुख कांग्रेस नेता और युवा मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भूखंडों के पट्टों की मांग को लेकर 8 दिनों से पत्रकारों का अनशन चल रहा था। इसके बाद एडीएम हरि तिवारी ने 30 मई तक भूखंडों के पट्टे आवंटित करने का आश्वासन दिया। सरदार शहर के ताल मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के समापन के दौरान कथावाचक ब्रह्मचारी संत आनंद जी महाराज द्वारा सांसद विधायक और चेयरमैन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर आयोजकों ने खेद जताया है। नागौर जिले में मुंडवा के वीर तेजा महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर नर्सिंग परीक्षा में अव्वल आए छात्राओं को सम्मानित किया। डूंगरपुर जिले में अथाई पंचायत के मनरेगा श्रमिक ऑनलाइन हाजिर नहीं होने से परेशान होकर पंचायत पहुंचे। श्रमिकों ने आशंका आक्रोश जताते हुए समस्या के समाधान की मांग की। राजस्थान पुलिस से लिखित भर्ती परीक्षा को लेकर नागौर रोडवेज बस आगार ने परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बस लगाई है। मुख्य प्रबंधक उषा चौधरी खुद कर रही है रूट प्लान की मॉनिटरिंग। डूंगरपुर जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पनाली में बैठक दोवड़ा में हुई है। बैठक में राहुल गांधी के दौरे के तहत बड़ेश्वर में आयोजित होने वाली सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का निर्णय लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क ठेकेदार की मनमानी से राहगीर परेशान है। सड़क के दोनों तरफ निर्माण सामग्री के ढेर लगाए गए हैं। सड़क पर खड़े रहते निर्माण सामग्री से भरे ओवरलोड वाहन। नागौर में मुंडवा के वीर तेजा महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे बड़ी धूमधाम से मनाया। नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी मौजूद रहे।
नवगढ़ जिले में इस बार पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर बनाया गया है एक परीक्षा केंद्र, अन्य जिलों के 3,597 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। डूंगरपुर जिले के इंदौड़ा में भसड़िया धूड़ी के संत भागजी भगत का देवलोक गमन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग और अन्य धुनियों के संत शामिल हुए, उन्हें समाधि दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजा चावला ने डूंगरपुर जिले के शिशोद और देवल अस्पतालों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के क्रियान्वयन को देखा। नागौर के मेड़दा रोड पर किन्नर समाज की गादीपति राजकुमारी प्रजापति ने श्री कृष्ण गौशाला पहुंचकर 5 क्विंटल लापसी गायों को खिलाई। इस अवसर पर गायों की ठंडी हवा के लिए 51 पंखे लगाने की घोषणा की। नागौर के मेड़दा रोड पर पोकरण विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और तारातारा मठ के मठाधीश महंत प्रतापपुरी महाराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत करके आशीर्वाद। सीकर में अजीतगढ़ इलाके के गढ़ टेकनीत गांव में बीरबल राम कलवानिया के निधन पर दत्तक पुत्री शर्मिला ने पगड़ी रस्म अदायगी करके बेटा बेटी का सम्मान का एक संदेश दिया।